रोज की तरह अनलिखित ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में हम अपने जीवन के पूरे जीवन का अगर हम सूक्ष्म रूप से आंकलन करते हैं और प्रत्येक भावों का अपने अंतःकरण में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने दिन भर के कामकाज में, तो जो शिथिलता, जो कमजोरी, जो गलतियां हम करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमें अपने हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का संताप होता है। जहां हम गलती करते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों के दौरान हमारे स्वयं के द्वारा अनेक प्रकार के विलक्षण परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने वास्तविक भावों को का ध्यान नहीं रखते हैं। तो संतापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में मैं अपने विचारों से। तो दोस्तों, भागवत का एक ही संदेश है कि प्रभु समर्पित जीवन। जब हम इस बात को अपने अंतःकरण में गूढ़ता के साथ चिंतन करते हैं, तो हम अपने कर्म भावों में सशक्तता लाते हैं, उजागरता लाते हैं, निस्वार्थ भाव लाते हैं और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्यों को करने में समर्थवान बनते हैं। तो सब उपाय समस्याओं को सुलझाने और विपदाओं को सघन ही हम बनाते हैं। एक बार दोस्तों, संगी ऋषि के श्राप से परीक्षित का जीवन एक सप्ताह भर शेष रह गया। अगर आप परीक्षित जी के की कहाँ वो कथा को अगर आप श्रवण करेंगे, तो संगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन मात्र एक सप्ताह रह गया। तो वे चिंतित हुए, क्योंकि वे प्रभु समर्पित जीवन जी रहे थे, यानी उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के ऊपर निर्भर कर दिया। तो क्योंकि वे प्रभु समर्पित जीवन यापन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने शेष दिनों के श्रेष्ठतम उपयोग की योजना बनाई कि जो बचे हुए दिन हैं, उन दिनों को मुझे परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, नेक कार्य करने चाहिए, क्योंकि इतना कम जीवन होने पर वह क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने जितना हो सके उतना करने के लिए अपने को समर्थवान बनाया। इसीलिए उन्होंने शेष दिनों को बहुत ही मान्यता दी, उनकी उपयोगिता को समझा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन में समय और अपने स्वास्थ्य, दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय हमारे हाथ से चला जाता है और स्वास्थ्य हमारा रुगण हो जाता है, फिर हम इस संसार में किसी काम के नहीं रहते हैं। अंतोगत्वा हम जो है कम समय में ही हमारा भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने जो श्रेष्ठ दिन थे उनको उनका सदुपयोग किया और स्थितियां और संयोग ऐसे बने कि सातों दिन, जो सात दिन उनके बचे हुए थे, उसमें उन्होंने आध्यात्म चर्चा की में व्यतीत किया। जिस प्रकार काकभूषणी जी के आज के प्रसंग में था दोस्तों, कि काकभूषण जी ने किस प्रकार से गरुड़ जी के संताप, संशय, भ्रम को दूर किया, तो उन्होंने भी परमात्मा के आशीर्वाद को सातों दिन का समय था उसमें पूरा विस्तार के साथ भगवान का पूरा आध्यात्म की चर्चा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो कथा जब पूरी होने के बाद उन्होंने मृत्यु का अतिथि, मृत्यु का स्वागत किया, करना ही था, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था और उनका जीवन उतना ही था।
तो उत्सव की तरह उसे अपनाए। तो इसलिए दोस्तों हमें अपने जीवन को हमेशा एक एक पल को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। अगर हम अपने समय को अपने जीवन के वास्तविकता को समझें, परेशानी में, कठिनाई में, चुनौतियों में भी हमें अपने जीवन को उत्सव के समान मनाना चाहिए, क्योंकि जो क्षण हमारे दुख में भी चले जाते हैं, परेशानियों में भी चले जाते हैं, वह क्षण फिर लौट के नहीं आते हैं। तो हमारे लिए एक प्रकार की संवेदनाओं को खड़ा कर जाते हैं, हमारी मानसिकता को उजागर कर जाते हैं, हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ संचेत करते हैं और हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भावों का संचार हमारे अंतरकरण में होता है। तो दोस्तों सप्ताह भर के सानिध्य में पिता पुत्र के कथा प्रसंगों का आस्वादन हुआ, कथा के प्रसंग हुए, उसके माध्यम से आध्यात्म और तत्व ज्ञान की चर्चा हुई, परमात्मा का कैसे स्मरण करना चाहिए, आध्यात्म में हमें कैसे जाना चाहिए। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों दोस्तों एक ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन आध्यात्म में हम परमात्मा में विलीन होते हैं, भौतिकवाद में हम अनेक प्रकार की अपनी अपेक्षाओं में भौतिकवाद में होते हैं, और ज्ञान कर्म भक्ति के सागर में निमज्जित हुए। इसके अलावा जीवन का और कोई रहस्य नहीं है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमारे कर्मों में सार्थकता हो और भक्ति के सागर में हम पूर्ण रूप से डूब जाएं, तो भक्ति में अगर हमारा जीवन हो जाएगा तो हमारे सभी जीवन के जब पूरा जीवन का वास्तविक प्रसाद का हमको अनुभव होने लगता है। तो भागवत का दोस्तों भागवत के 21वें स्कंद में शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें मुक्ति व निःश्रेयस की प्राप्ति के विविध उपायों की विवेचना करते हुए इस स्कंद में भगवान वेदव्यास ने दोस्तों ललित ललाम भाषा का उपयोग किया है और तत्व ज्ञान ने ललित ललाम भाषा का उपयोग किया है। तत्व ज्ञान की चर्चा प्रायः गूढ़ गंभीर हो जाती है। जब हम परमात्मा के तत्व ज्ञान के वास्तविक स्वरूप में डूब जाते हैं तो हमारा चैतन्यता हमारी खुलती है और हम गंभीर सागर ज्ञान के सागर में गोता लगाने लगते हैं। तो वह पंडित प्रवर लोगों के लिए ही बोधगम्य होती है, जैसे वेदांत है, योग है, सांख्य है, मीमांसा है। तो आदि ये शास्त्र हैं दोस्तों, इन शास्त्रों में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन गणित के सूत्रों की तरह किया गया। जिस प्रकार गणित के सूत्रों में हर गणित के सवाल में अलग अलग सूत्र लगाने की आवश्यकता होती है, उन सूत्रों को लगाने से हम गणित के किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में वेदांत, योग और सांख्य जो हैं, मीमांसा, ये शास्त्र के ऐसे दार्शनिक सिद्धांत हैं जिससे हम गणित के समान अपने जीवन के और परमात्मा के आधिपत्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में सार्थक हो जाए। भागवत कथा के 11वें स्कंद में सभी दार्शनिक मतों की काव्य रूप में निरूपण हमको किया गया है। अगर हम भागवत का अध्ययन करते हैं तो उसमें विस्तार से है दोस्तों। तो भगवान तब कहते हैं तुम भगवान के हुए, तो कथा सुनते के दिनों में भी एकांत में जाने और ध्यान में लीन रहने का क्रम जारी था। परीक्षित जी ने जो है कथा को सुनने का जो नियम बनाए थे, अंतिम दिन की कथा सुनने के बाद एक विचित्र घटना घटी। अब जिस दिन उनकी मृत्यु थी और उसी दिन जब वह कथा सुन रहे थे, उनकी एक घटना घट गई। पिता कहानी कहने का पाठ पढ़ते की तरह ही भागवत कह रहे थे और अनुष्ठान की तरह विधि विधान की आवश्यकता नहीं समझी गई थी। इसीलिए पूर्णाहुति के दिन यज्ञ ज्ञान का भोग आदि का कार्यक्रम नहीं रखा गया।
तो कथा सुनने के बाद पुत्र ने पिताजी से पूछा, सुमरण के बाद दक्षिणा दी जाती है, मैं आपको क्या भेंट करूं? तब पिता ने अपने लाड़ले का मुंह देखते ही रह गए। श्री राम ने फिर वही प्रश्न किया कि पंडित जी के ने बेटे की बाहें पकड़कर खींच लिया और सीने से लगा लिया, इस बार भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया तो उत्तर आया, अपने आप को भेंट कर दो। तो श्री राम ने कहा कि वह तो मैं आपको ही हूँ, आपका ही हूँ, तो आपका आशय यदि अपने आप को भगवान के लिए भेंट चढ़ा देने की है से है तो उसके लिए संकल्प ग्रहण कराइए। तो पिताश्री के हाथों में जल लेकर उन्होंने, जैसे हम संकल्प पूजा ध्यान में संकल्प कराते हैं, संकल्प कराया ओम विष्णु विष्णु जो भी होता है, पूरा संकल्प का मतलब होता है दोस्तों कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं परम आस्था के साथ कर रहे हैं और भगवान को समर्पण कर रहे हैं, अपनी आस्था को अपने भावों को पूजा के लक्ष्य का। और फिर कहा कि अब तुम भगवान के हुए, और आशीर्वाद देने के बाद श्री राम हमेशा की तरह एकांत में चले गए। गुफा वाली घटना के बाद वे जंगल में नहीं जाते थे, लेकिन कहाँ जाते हुए इस भी माँ के सिवा किसी का पता ही नहीं था। उस दिन एकांत में गए तो घंटों बीत गए, शाम होने लगी, तब फिर वे वापस नहीं आए तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने पंडित जी से प्रश्न पूछा कि बेटे को कहाँ भेजा है, तो अभी तक नहीं आया। पिताजी चिंतित हुए और हिमालय जाने वाली घटना उनके अंतःकरण में आ गई, तो परेशान होकर वे बोले कहीं चला तो नहीं गया। तो माँ को भी आशंका हुई, फिर आपको ढाढ़स बताते हुए बोली स्वयं को कि गौरीबाग के शिवालय में एक बार दिखवा लीजिए, कहीं वहाँ भक्ति में तो नहीं रम गया है। तो गौरीबाग गांव के एक डेढ़ मील छोटा सा बगीचा था, वहाँ आम अमरूद और नीम के कुछ पेड़ थे, बारहों महीने सन्नाटा रहता था। सोमवार पूनम और शिवरात्रि के दिन लोग वहाँ शिवालय में आते थे, पूजा अर्चना करते थे, बाकी समय सन्नाटा रहता था। इसी जगह श्री राम ने अपना ठिकाना बना रखा था। तो गहन ध्यान समाधि दोस्तों जब होती है तो पिता खुद दौड़ के चले गए और साथ में दो तीन व्यक्ति उनके साथ ही वहाँ जाकर उन्हें देखा कि श्री राम एक पेड़ के नीचे पालथी मार कर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। तो पंडित जी ने उन्हें पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया, और श्री राम ने विश्वास में बैठे थे, उन्होंने दूसरी तीसरी चौथी बार उनको पुकारा, फिर भी कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं हुआ। तो हाथ पकड़ कर हिलाने की कोशिश की तो थोड़ा सा धक्का लगने की श्री राम आगे की ओर सिर के बल लुढ़क गए, और ध्यान के समय गोदी में रखे हाथ हिलाने डुलाने के कारण प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए थे, और लुढ़कते हुए उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे सिर से प्रणाम करने के लिए आगे की ओर झुके हों और माथा टेक दिए हों। तो लुढ़कने के बाद वे उसी स्थिति में पड़े रहे। पंडित जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, उनको परेशानियाँ होने लगी, तो उन्होंने बेटा बेटा कहा, नाम लेकर दसियों बार उनको, पचासों बार उनको पुकारा, हिलाने डुलाने की कोशिश की, पकड़कर बिठाया बिठाना चाहा, लेकिन शरीर निढाल ही रहा। यानी अनहोनी अनिष्ट आशंका से घिरकर उन्होंने नथनों के बाद अंगुली रखकर देखा, नब्ज टटोली, हृदय की धड़कन देखी, जीवन के लक्षण हैं या नहीं, जीवन है नहीं है, सांसें चल रही है नहीं चल रही है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, फिर भी निष्कर्ष पर पहुँचते की स्थिति भी नहीं आई। पिता ने मुंह से जोर से चीख निकाल गई, शादी लोगों के चेहरों पर रंग हो गया। जब उन्होंने जोर से चीख उतारी, ऐसे क्षणों में दोस्तों जब आदमी अचेत हो जाता है
या जीवन छोड़ देता है तो दूसरे लोग यानी पिता होने के नाते उन्होंने चीख की तो चीख का शायद कुछ मान हुआ कि श्री राम का ध्यान समाधि, वह समाधि में बैठे थे तो समाधि में उनका ध्यान खुला तो वे अपने आप उठकर बैठ गए और अपने आप को संभालने से तो ध्यान परमात्मा की आसक्ति में इतना बड़ा बल छिपा हुआ है दोस्तों। तो जब हम समाधि में इंसान बैठ जाता है, वास्तविक भगवान की भक्ति में जब आदमी लीन हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु के पूरे संशयों को और सुख दुख को सभी चीज़ को भूल जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन को भी वह भूल जाता है। तो पिता श्री देव को अभिवादन किया, पुत्र ने प्रणाम से पंडित जी को आश्वस्त हुए कि उनका बेटा सकुशल है। तो कहने लगे मैं तो डर ही गया था कि तुम चले गए हो। तो श्री राम के तत्काल कोई भी उत्तर नहीं दिया। घर आकर पिता ने फिर वही बात दोहराई और भगवान का धन्यवाद देने लगे कि बोले कि आप उन्हें क्यों धन्यवाद देते हैं, आप मुझे भगवान को सौंप चुके हैं, भगवान को मेरे को समर्पित कर चुके हैं, तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब उन्हीं का काम करूं, परमात्मा में ही मैं लीन हो जाऊं, मैंने मन वचन और पूरे शरीर को परमात्मा पर समर्पित कर दिया है। तो वहीं तो उनकी कोई संबंधी थी, वहीं पर वह उपस्थित थी, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी तो पति से कहने लगी कि आपने श्री राम को पता क्या क्या पढ़ा सिखा दिया है, मुझे उसे बहुत डर लगता है। इस अनुभव के बारे में श्री राम ने कुछ दिन बाद अपने साथियों को बताया। अपने आप को भगवान के लिए अर्पित कर देने के बाद लगा कि मन में अपूर्व शांति आ गई। तो ध्यान में बैठे वो दोस्तों संसार जैसे तिरोहित हो गया, तो अपने आसपास कुछ भी है ही नहीं। तो कितनी देर ध्यान में बैठा हुआ इसका स्पष्ट आभास नहीं है, लेकिन उस अवधि में एक अद्भुत प्रसंग घटा। वह प्रसंग आंतरिक अनुभूति थी, कोई स्वप्न था उसका दिव्य दर्शन। हम इस बारे में श्री राम ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अनुभव अनुभूति एक घटना की तरह थी जो प्रत्यक्ष होने लग रही थी। जिस समय वह हुई तब भी वह आभास भी नहीं हुआ कि ध्यान हो रहा है, यानी परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का, अनेक प्रकार के सुचिता के भावों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवत का मूल भाव दोस्तों यह है कि विषम परिस्थितियों में धर्म का साधन और अपने अभ्युदय और निय श्रेयस के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना, प्रभु समर्पित जीवन जीना। भागवत कथा का आरंभ पृथ्वी पर कलयुग के अर्थात विषम परिस्थितियों, जटिलताओं और आत्मिक उन्नति के में बाधाओं के आधिपत्य से होता है। तो परीक्षित ने दोस्तों इन स्थितियों का शमन करने निकलते हैं तो कलयुग भी दोस्तों क्षमा मांगने लगता है। तो भागवत शास्त्र के अनुसार कलयुग अशुभ और विपर्ययी का नाम है। तो परीक्षित इसका निग्रह करने लगते हैं, जो इस पृथ्वी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अपने लिए आश्रय भी मांगता है। परीक्षित कलि को पहले 4 और फिर 5 स्थानों पर रहने की छूट देते हैं। इन 5 स्थानों में पहले 4 असत्य मद है, आसक्ति है, निर्दयता है। तो असत्य है, मद है, आसक्ति और निर्दयता है मैं बास करने के लिए कहते हैं, और अनुनय करने पर 5वां स्थान रजस भी छोड़ देते हैं। तो रजस अर्थात लोभ, दिखावा, अकड़ और संकीर्ण भाव, जहाँ भी ये विकृतियाँ होंगी
वहीं कली के दुष्प्रभावों का अर्थात शोक संताप हुए। तो इन विकृतियों से विरक्त रहने के लिए, इनसे दूरी बना के लिए, इनसे अपने जीवन को सार्थकता की ओर लाने के लिए नकारात्मकता से सकारात्मक में जीवन यापन करने के लिए, संभव असंभव को भी संभव में परिवर्तित करने के लिए संतापों से बचने के उपाय भागवत का एक ही संदेश है। वही संदेश दोस्तों हमें अपने चिंतन में रखना चाहिए, वह है प्रभु समर्पित जीवन। तो हमारा जीवन प्रभु समर्पित होना चाहिए। हमें अपने कर्मों को निष्काम और निस्वार्थ भाव से करते हुए भगवान की आसक्ति पर विश्वास करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। और जब हमें पूर्ण विश्वास और आस्था हो जाता है तो हमारे कर्म में अनेक भावों का संचार होता है। तो कर्म के सुयश के कारण, कर्म की प्रसन्नता के कारण, कर्म फलों की उजागरता के कारण हम अपने जीवन को अनेक प्रकार के संतापों से बच सकते हैं और अपने जीवन को परमात्मा की आसक्ति में ध्यान लगा करके प्रभु को अगर हम सभी कार्यों को प्रभु के ऊपर छोड़ दें, केवल कार्यों की परिणति को हमको करते रहना है, कर्म भावों में हमको हमेशा अविरलता से लगे रहना है केवल, और सभी कार्यों के जो फल हैं उसको प्रभु पर समर्पित करके जीवन यापन करने की सरल और सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। इस व्याख्या को जो मनुष्य अपने जीवन में चरितार्थ कर देगा, कोई भी कार्य हम करते हैं तो परमात्मा की आसक्ति पर उसको पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। तो अंततो गत्वा दोस्तों, जीवन मृत्यु के जो भाव हैं उसमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वही परिवर्तन परीक्षित जी के जीवन में हुए जो असंभव भी संभव में परिवर्तित हो गया। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, संतापों से बचने के लिए हमें प्रभु समर्पित जीवन यापन करके अपने जीवन के सरलीकरण, सारा जीवन उच्च विचार, सर्वे संतुष्टिनो सर्वे संनिरामया सर्वे भद्राण पश्यन्त मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। तो सर्व जन हिताय और सभी लोगों के कल्याण की भावनाएं और परमात्मा के प्रति समर्पण की भावों का संचार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से स्वच्छ और निर्मल पवित्र जीवन यापन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और किसी भी जन्म में हम अवतरित होते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा और मानवता की वास्तविक पराकाष्ठा के हम पुजारी होंगे। यही मानव धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही हमारे भाव होने चाहिए, यही हमारी सुचिता हो। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों इन विचारों को, कर्म अपने किसी भी मनुष्य को, किसी भी पात्र को अपने जीवन में परिश्रम और कर्म बंधन में बंधे रहना चाहिए और कार्यों की के फलों के लिए परमात्मा को समर्पित करते हैं। निश्चित ही आप निस्वार्थ भाव से और जो आपको असंभव भी संभव में बदल सकता है, यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ी प्रेरणा हमको परीक्षित जी के जीवन से प्राप्त होती है।